हेलो दोस्तों, कहीं आप तो नहीं उनमें से जो मंदिर के पीछे शीश झुकाते हैं? तो आज जान लीजिए कि मंदिर के पीछे शीश झुकाने से क्या होता है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये सभी पुराण यही कहते हैं कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है और मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। जब हम मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं तो जितना हमने पुण्य किया है, जितनी पूजा की है, जितने व्रत किए हैं, जितना दान किया है, वो सभी मंदिर के पीछे प्रणाम करने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पीछे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा मंदिर के आगे धर्म को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर मंदिर के पीछे किसी भगवान का चित्र या मूर्ति है तो आप मंदिर के पीछे प्रणाम कर सकते हैं, अन्यथा जिस मंदिर के पीछे मूर्ति ना हो तो प्रणाम ना करें, क्योंकि आप मंदिर के पीछे प्रणाम करते हो तो अधर्म को प्रणाम कर लेते हो, धर्म को नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।